तो हम अपने लोकेशन में पहुंच चुके हैं और हम यहीं से लेने वाले हैं वाटर लेट्यूस हमारे जो गप्पी टैंक के लिए। तो देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें वाटर लेट्यूस मिल जाएगा और कुछ अलग प्लांट भी मिलेंगे तो हम वो भी ले लेंगे, क्योंकि हमें गप्पी टैंक बनाना है आपको पता ही है जैसे। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ले जा सके। और यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी फिशेज भी हैं, मैं अभी आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ उसके भी। तो मैं उन सोचाऊँ कि उन्हें भी मैं निकालूँ, लेकिन मैं अभी फ़िश नेट लाया नहीं और हाथ से तो मैं पकड़ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर फ़िश नेट लाएंगे अपने साथ। और अभी हम बस फ़िलहाल वाटर लेट्यूस ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये साइड तो बहुत गंदा है, तो हम थोड़े उस साइड जाएंगे कि वहाँ वाटर क्लीन है। तो चलिए उठाते हैं और फिर घर चल के गप्पी टैंक बनाते हैं। और मैं यहाँ का पानी भी लेना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ का एल्गी वाटर है, ग्रीन वाटर है, और वो गप्पी टैंक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारा एक बॉटल आया हमारे पास, तो उससे हम थोड़ा सा पानी यहाँ का लेके चलेंगे और उसे घर में जाकर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम फिश जब ऐड करेंगे तो हम यहाँ से नेट ला सकते हैं, नेट ला के मछली पकड़ेंगे और फिर हम आपको पूरा दिखाएंगे वीडियो। तो हम टैंक सेटअप करते हैं, चलिए लेके। तो हमने काफ़ी सारा प्लांट उठा चुका है यहाँ से, देख सकते हैं क्या बहुत सारे प्लांट है। ये भी प्लांट बहुत अच्छा लगता है गप्पी टैंक के लिए और इसमें फ्राइज अच्छी तरीके से छुप भी सकते हैं। तो एक टैंक के लिए तो काफ़ी हो चुका है। तो अब चलते हैं घर और सेट करते हैं अपना न्यू गप्पी टैंक सेटअप आउटडोर के लिए। देख सकते हैं ब्रिक से कितनी ज़्यादा बुलबुले निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो उसके जो पोर्स है उसमें पानी एब्जॉर्ब हो रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और मैं पाइप से इसके ऊपर से पानी भर रहा हूँ ताकि हमारा जो अंदर का जो मिट्टी है वो बाहर ना आ जाए। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ से ये बुलबुले निकल, और कितना मज़ा आ रहा है मुझे ये सब देख के, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ये सब प्लांट्स को हमने अच्छी तरीके से वॉश किया, और ये सब प्लांट को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो पानी आपने देखा ही था कैसा था। और मैंने इसे 2-4-5 बार वॉश किया है तो जाके ये इतना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और क्योंकि ये गंदा भी था। तो हम अब सीधे इसे डायरेक्ट डाल देंगे, और या आप चाहते हैं तो इसे एक दिन धूप में रख भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है तो अब हम इसे डालने वाले हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा इसका रूट है। और ये प्लांट का नाम तो मुझे पता नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था तो मैंने इसे ले आया, और हमारे टैंक में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो चलिए इसे डालते हैं। मुझे लगता है मेरा टैंक बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है इसके रखने के बाद। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई चीज़ आप करते हो और वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है या फिर आपकी मेहनत रंग लाती है। तो देख सकते हैं इसमें गप्पियाँ कितनी अच्छी तरीके से छुप सकती हैं। तो मैं इसे जल्दी जल्दी डालता हूँ, और इसको मैं थोड़े बाद में डालूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसे हम अच्छी तरीके से सेट करके डालेंगे नीचे। तो पहले फ्लोटिंग प्लांट डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने अपना गप्पी टैंक को पूरा भर दिया है, पूरा का पूरा भर दिया है। और इसमें जितने ज़्यादा हाइडिंग स्पॉट होंगे और जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी हमारे जो हमारा पॉन्ड है। तो इसमें ऑक्सीजन पंप की ज़रूरत भी नहीं है। मनी प्लांट भी है, करने वाले प्लांट हैं वो भी हैं, अमोनिया एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट हैं वो भी हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमें अब। और अब हम इसे एक दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो बैक्टीरिया है ग्रो हो जाए अच्छी तरीके से। थोड़ा मैं अपने मॉन्स्टर टैंक का पानी इसमें डालने वाला हूँ, जो हमारा जो मॉन्स्टर टैंक में जो सम्प है वहाँ का जो स्पॉन्ज है उसको भी डालने वाला हूँ ताकि जल्दी बैक्टीरिया कॉलोनी बनाए अपने। और फिर हम इसे अब छोड़ देंगे दो दिन के लिए, और हम दो दिन बाद अपने टैंक में पॉन्ड कह लीजिए, टैंक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसमें डालने वाले हैं गप्पी फिशेस। वही बहुत कम डालेंगे ताकि उसकी ग्रोथ बहुत आराम आराम से हो, क्योंकि वो बेबीज़ देते हैं और छोटे छोटे बेबीज़ घूमेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी टैंक की वीडियो कैसी लगी और मेरा टैंक कैसा दिख रहा है। अगर ज़्यादा हौचपच हो गया या फिर कुछ डेकोरेट करना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे बस ये प्लांट थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या पता हम उसे हटा दें। और आपको सब अपडेट मिलते रहेंगी, जो कि हमारा मनी प्लांट ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, वाटर लेट्यूस की प्रोपोगेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, सब बताने वाले हैं। और मुझे तो लगता है सब चीज़ सेट है। और पानी देखिए क्रिस्टल क्लियर पानी है, और बहुत ठंडा भी है क्योंकि हमारा बोर से आता है पानी। तो जल्दी ये मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।